हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्विज में। इस वीडियो में हम 6 सितंबर की क्विज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन SLINEX 2018 नेवल एक्सरसाइज, यानी कि SLINEX 2018 में कौन से दो देश पार्टिसिपेट करेंगे। राइट आंसर इज इंडिया एंड श्रीलंका। SLINEX का मतलब है श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक नावल एक्सरसाइज है। इससे पहले ये बाई एनुअल इवेंट हुआ करती थी, लेकिन 2018 के बाद ये एक एनुअल इवेंट बना दी गई है। इसका आइडिया है मैरिटाइम एरिया में कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। इंडियन नेवी है, उसके चीफ हैं एडमिरल सुनील लांबा। इसके साथ साथ कुछ और मेजर नेवल एक्सरसाइज हैं। इंदिरा है वो इंडिया और रशिया की नेवीज के बीच में एक एक्सरसाइज है। मालाबार है वो एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है यूएस जापान और इंडिया के बीच में। वरुण है वो है इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरा और कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मैत्रीपाला सिरिसेना और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंकन रुपी है वो वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। श्रीलंका है वो सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का भी एक मेंबर है। कमेंट बॉक्स में बताइए सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके साथ साथ 5th BIMSTEC समिट है वो भी श्रीलंका में ही होनी है। हाल ही में 4th BIMSTEC समिट हुई थी काठमांडू में, जिसके बाद मेंबर्स ने काठमांडू डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया। 4th समिट के बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर केपी शर्मा ओली ने BIMSTEC की चेयरमैनशिप श्रीलंका के प्रेसिडेंट मिस्टर मैत्रीपाला सिरिसेना को सौंप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज साइन पैक्ट विद इंडिया टू कोलैबोरेट ऑन इसरोज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस लिफ्ट प्रोग्राम गगनयान, यानी कि इंडिया के साथ गगनयान प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट करने के लिए किस कंट्री ने साइन किया है। राइट आंसर इज फ्रांस। इंडिया और फ्रांस है वो गगनयान प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करेंगे। गगनयान की बात करें तो ये गगनयान का एम है 3 मेंबर क्रू को स्पेस में भेजना 5 से 7 दिन के लिए बाय 2022। ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस लिफ्ट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को इसरो हैंडल कर रहा है। इसरो की बात करें तो इसरो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और डॉक्टर के सीवान है वो इसरो के चेयरमैन है। इसरो की कमर्शियल आर्म है, उसका नाम है अंतरिक्ष। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और फ्रेंच है वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। फ्रेंच यूएन की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यूएन की टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं: रशियन, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश एंड अरबिक। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन। इसके साथ साथ फ्रांस है वो 2018 के फीफा वर्ल्ड कप का विनर भी रहा है। ये रशिया में हुआ था। इसके साथ फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो फ्रांस में ही हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताइए फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव हैव बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर कॉफी ग्रोवर्स, यानी कि कॉफी उत्पादकों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लिए हैं। राइट आंसर इज कॉफी कनेक्ट। कॉफी कृषि थरंग एक डिजिटल मोबाइल एक्सटेंशन सर्विस है ताकि किसानों की मदद की जा सके कॉफी प्रोडक्शन को बढ़ाने में और कॉफी की क्वालिटी को बढ़ाने में। कॉफी कनेक्ट एक ऐप है जो कि कॉफी प्लांटेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी। इस ऐप को लॉन्च किया है मिस्टर सुरेश प्रभु ने। मिस्टर सुरेश प्रभु इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे रिसेंटली हुई RCEP की 6th ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग में। कमेंट बॉक्स में बताइए RCEP की 6th ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट द 2018 इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी वॉज ऑब्जर्व रिसेंटली, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर इज 5th सितंबर। ये 5th सितंबर को मनाया जाता है। UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को सेलिब्रेट किया टू कोमेमोरेट यानी कि डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा है उसकी याद में 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। UN के सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल मिस्टर कोफी अनान का निधन हो गया है। मदर टेरेसा की बात करें तो उन्होंने 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। 2017 के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला है इंटरनेशनल कैंपेन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को। 2018 के लिए नोबेल पीस प्राइज अभी तक घोषित नहीं किया गया है। 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाया जाता है जो कि बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। वो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और दूसरे प्रेसिडेंट थे। कमेंट बॉक्स में बताइए भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस रंजन गोगोई
who is expected to be 46th Chief Justice of India, hails from which northeast state of India? Justice रंजन गगोई हैं जो कि 46th चीफ जस्टिस बन सकते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य से हैं? राइट आंसर इज आसाम। वो आसाम से बिलोंग करते हैं, वो 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। कन्वेंशन के हिसाब से सीनियर मोस्ट जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। प्रेजेंटली वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, इसलिए वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हो सकते हैं। प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं मिस्टर दीपक मिश्रा, वो 45th यानी कि 45वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आसाम की अगर बात करें तो आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, उसको अपडेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ आसाम है वो दूसरा ऐसा स्टेट है जिसने डिजिटल बजट को पेश किया है। पहला ऐसा स्टेट आंध्र प्रदेश है। आसाम की कैपिटल है दिसपुर और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। कमेंट बॉक्स में बताइए आसाम के गवर्नर कौन है। आसाम का गुवाहाटी पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो एंटायरली सोलर पावर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज KAZIND 2018 इज एन आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी कि ये आर्मी एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच में होगी। राइट आंसर इज कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज है। कमेंट बॉक्स में बताइए आर्मी चीफ कौन है। कमेंट बॉक्स में बताइए भारत के आर्मी चीफ कौन है। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। ये एक SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मेंबर है। अस्ताना समिट के बाद भारत और पाकिस्तान भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। कजाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कजाक और तेंगे है वो वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया WHO के लिए नए रीजनल डायरेक्टर किस भारतीय महिला को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज पूनम खेत्रपाल सिंह। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह हैं वो री इलेक्ट हुई हैं रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO के लिए। डॉक्टर सिंह हैं वो पहली ऐसी महिला हैं जो रीजनल डायरेक्टर फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया बनी हैं। WHO की बात करें तो WHO है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करती है। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जेनेवा में स्थित है जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस एडहेनम। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। किस लिए? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज रिसेंटली साइंड पैक्ट विद विच यूरोपियन कंट्री फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदी चेयर एट सोफिया यूनिवर्सिटी। भारत ने किस यूरोपियन देश के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है सोफिया यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर स्थापित करने के लिए? राइट आंसर इज बुल्गारिया। भारत ने बुल्गारिया के साथ में एक पैक्ट साइन किया है ताकि सोफिया यूनिवर्सिटी में एक हिंदी चेयर स्थापित की जा सके। बुल्गारिया की बात करें तो बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। वहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर रूमन रादेव और बुल्गारियन है वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेव है वो बुल्गारिया की करेंसी है। प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद हैं वो 3 यूरोपियन कंट्रीज की ऑफिशियल विजिट पर हैं। ये 3 कंट्रीज हैं साइप्रस, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक। कमेंट बॉक्स में बताइए साइप्रस की कैपिटल का नाम क्या है। हिंदी के प्रमोशन के लिए हाल ही में इंडिया ने पाणिनी लैंग्वेज लेबोरेटरी का इनोग्रेशन भी किया है। इसके साथ साथ जो 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है वो मॉरिशस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ सेकंड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2018, यानी कि सेकंड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है वो इनमें से किस शहर में आयोजित होनी है? राइट आंसर इज शिकागो। ये शिकागो में आयोजित होनी है। ये 7 से 9 सितंबर के बीच में होगी। इसका थीम है थिंक कलेक्टिवली अचीव वैलियंटली। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। उन्होंने हाल ही में एक बुक भी रिलीज की है जिसका नाम है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड 1 ईयर इन ऑफिस। जो फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कांग्रेस है वो नई दिल्ली में हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाई आई एम ए हिंदू नामक किताब है उसके ऑथर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगवती कुमार शर्मा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनाउंड ऑथर एंड जर्नलिस्ट ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर इज गुजरात। वो गुजरात के ऑथर और जर्नलिस्ट थे। गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। मिस्टर विजय रूपानी है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गुजरात का सूरत है वो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पर 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर्स हैं। इसके साथ साथ गुजरात है वो देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर 100% पाइप्ड गैस नेटवर्क है। कमेंट बॉक्स में बताइए कुलदीप नैयर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस फील्ड से संबंधित थे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।